खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बिश्केक सम्मेलन में हुआ मोदी इमरान का आमना सामना। सूत्रों के मुताबिक लीडर्स लाउंज में दोनों मिले, शिष्टाचार के तौर पर एक दूसरे का हालचाल पूछा। पीएम मोदी और इमरान खान की मुलाकात पर बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, भारत के साथ निर्धारित नहीं थी बातचीत, सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर हाई हेलो हुई। बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के मुद्दों की गूंज, साझा घोषणा पत्र में एससीओ ने माना आतंकवाद बड़ी चुनौती, इससे लड़ने के लिए एकजुटता पर जोर। पाकिस्तान पर मोदी का दुनिया को संदेश, रूस और चीन जैसे बड़े देशों से कहा आतंक के समर्थक देशों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी। आतंक पर पाकिस्तान दुनिया में घिरा तो शांति का नाटक किया, मोदी सरकार को फिर बातचीत का न्योता दिया। किर्गिस्तान में इमरान खान ने फिर गाया कश्मीर राग, कहा उम्मीद है मोदी कश्मीर समेत सभी मुद्दों का हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने जिनपिंग से कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए देश में नहीं है माहौल, अब इमरान बोले भारत से रिश्ते सबसे ज्यादा खराब। बिश्केक में शिखर सम्मेलन के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी, पीएम मोदी ने ट्वीट करके किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और शिखर सम्मेलन में जुटे नेताओं को शुक्रिया कहा। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी, आंदोलन वापस लेने के लिए सीएम ममता के सामने रखी कई शर्तें। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी, मरीज परेशान, छह दिन पहले इसी एनआरएस कॉलेज के में मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों से मारपीट की थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बंगाल में जूनियर डॉक्टरों पर हमले के बाद हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया। दिल्ली के आज कई बड़े अस्पताल समेत 18 में करीब 10,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बंगाल की ममता सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा अगर जल्दी ही मांगे नहीं मानी गई तो एम्स में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। डॉक्टरों के स्ट्राइक पर ममता बनर्जी ने एबीपी न्यूज से कहा बीजेपी ने बनाया मुद्दा राजनीतिक, हड़ताल को हिंदू मुसलमान से जोड़ा। ममता बनर्जी ने कहा अगर बंगाल में रहना है तो बांग्ला बोलना होगा, जब बिहार यूपी पंजाब में जाकर वहां की भाषा बोलते हैं तो यहां क्यों नहीं। ममता बनर्जी बोली बंगाल में बाइक पर बीजेपी के गुंडे घूम रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन ममता ने जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल को आज शाम मुलाकात के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने ममता को डॉक्टरों के मुद्दे पर बुलाया मुलाकात के लिए, राज्यपाल का आरोप फोन पर बात करने पर ममता की ओर से नहीं मिला कोई जवाब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर की डॉक्टरों की समस्याओं को सुलझाने की मांग। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक आज, सभी राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी नहीं आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए धर्म सम्मेलन का आयोजन, यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी पहुंचने की उम्मीद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर मांग तेज, हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक आज, कल सीएम त्रिवेंद्र रावत से भी करेंगे साधु संत मुलाकात। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा मुजफ्फरपुर में पिछले 20 दिन में चमकी बुखार से अब तक 63 बच्चों की मौत हुई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले ने रोका एम्बुलेंस का रास्ता, पहले मंत्री जी की गाड़ी निकली फिर एम्बुलेंस को गेट के अंदर आने दिया गया। झारखंड के सरायकेला में पुलिस के गश्ती दल पर नक्सली हमला, 5 पुलिसकर्मी शहीद, मौके से हथियार भी गायब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया, नक्सलियों के पास से अमेरिकन मेड G3 राइफल बरामद। कांकेर में मारे गए नक्सलियों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका, नक्सलियों के पास से बरामद राइफल अमेरिकन मेड G3 का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी करती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के राज्यपाल राम नाईक, राम नाईक ने लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर मंगलवार और गुरुवार को दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और हर हफ्ते 2 दिन उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। रायबरेली में बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी को सुपर ठग नेता कहा। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की वकालत की, कहा 2 से ज्यादा बच्चे वालों को ना मिले सरकारी योजनाओं का लाभ, वोट डालने का अधिकार भी छिने। अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे शिवपाल यादव, अपनी पार्टी PSP का अखिलेश की SP में विलय होने के कयासों को अफवाह बताया। वाराणसी में रेप के आरोप में फरार चल रहे घोसी से नवनिर्वाचित BSP सांसद अतुल राय की तलाश जारी, कोर्ट के आदेश पर फ्लैट पर लगाया लुकआउट नोटिस। बिहार में 60 साल
से ज्यादा के बुजुर्ग को हर महीने 400 रुपए पेंशन देगी सरकार। नीतीश सरकार का ऐलान, बिहार में पेंशन के साथ बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करने वाले बच्चों को होगी सजा। एमपी के सीएम कमलनाथ ने दिया डिनर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह भी डिनर में हुए शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यकर्ताओं से गुलदस्ते की जगह किताब भेंट करने की अपील। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात, कैबिनेट विस्तार को लेकर हुआ मंथन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ही भिड़े बीजेपी के बड़े पदाधिकारी, गाली गलौज और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी में गैंगवार, बाइक पर आए बदमाशों ने सेंट्रो कार में सवार दो लोगों को गोलियों से भूना। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में चंद्रशेखर नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, चंद्रशेखर पर पहले भी किया गया था हमला। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 25,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद इकबाल सैफी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया, राजा पर हत्या और लूट के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के मुरादाबाद में आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में हेड कांस्टेबल का बेटा गिरफ्तार, छात्रा ने सीएम योगी को ट्वीट कर की थी शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में अपने दो बेटों की हत्या और दो बेटियों को बुरी तरह जख्मी करने वाला जल्लाद पिता गिरफ्तार, पत्नी से अनबन पर बच्चों को निशाना बनाया। झांसी में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में नया मोड़, जांच के बाद पुलिस ने बच्ची के पिता को ही कातिल बताया। यूपी के शाहजहांपुर में दो गुटों के बीच झगड़े में चली गोलियां, दो युवकों की मौत, एक राहगीर भी जख्मी हुआ। यूपी के अलीगढ़ में मोबाइल फोन हैक करने वाले गैंग का आतंक, चोरी छिपे उड़ा लेते हैं फोन से निजी जानकारियां, पुलिस तक पहुंची शिकायत। अयोध्या के रुदौली गांव में गेहूं चोरी करने के शक में नाबालिग के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई, वायरल हुआ वीडियो। यूपी के हरदोई में नगरपालिका अध्यक्ष के घर पत्थरबाजी और फायरिंग में 3 लोग जख्मी, बीजेपी विधायक के समर्थकों पर हमला करने का आरोप। यूपी के जौनपुर में नाली बनाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल। यूपी के महोबा में बुजुर्ग किसान ने बिजली विभाग की जबरन वसूली से तंग आकर खुदकुशी की, मृतक किसान पर करीब 15,000 रुपए बिजली का बिल बकाया था। पंजाब के मुक्तसर में कांग्रेस नेता राकेश चौधरी के भाई ने पड़ोस में रहने वाली महिला को बेल्ट से पीटा, 25,000 रुपए के लेनदेन के पीछे महिला से था विवाद। एमपी के छतरपुर में कोचिंग से लौट रही लड़कियों के मोबाइल नंबर देने पर लड़कों ने लड़कियों के साथ मारपीट की, पुलिस में शिकायत करने पर जिंदा जलाने की धमकी दी। एमपी के दामोह में ज्वेलरी शॉप में दुकानदार के हाथ से बदमाशों ने छीना सोने की अंगूठी से भरा बैग, आरोपी दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे थे। एमपी के सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मरीज के परिजनों से डॉक्टरों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। शिरडी में हाथ में पिस्टल लेकर टिकटॉक वीडियो बना रहे 17 साल के लड़के को लगी गोली, मौके पर ही हुई लड़के की मौत। मुंबई में लोनावला के पास रेलवे पटरी पर अचानक से पहाड़ी का हिस्सा आकर गिरा, रेलवे ने सीसीटीवी पर पहाड़ी को गिरता देखकर ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित, महाराष्ट्र के कार्तिकेय गुप्ता बने टॉपर, 38,000 बच्चों ने पास की परीक्षा। गर्मी में दूध फटने से वाराणसी में दूध 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वाराणसी में पारा 45 डिग्री के पार। पंजाब के जालंधर के सिविल अस्पताल में फोर्थ क्लास कर्मचारी ने लगाए मरीज को टांके। विश्व कप का महामुकाबला कल, भारत और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर में होगी भिड़ंत। इंग्लैंड का मैनचेस्टर बन गया मिनी इंडिया, हजारों फैन मैच देखने पहुंचे, टीम जब पहुंची तो इंडिया जीतेगा के नारे लगे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस ने भारत के खिलाफ जीत के लिए नई स्ट्रैटेजी बताई है, वकार का मानना है कि अगर भारत के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो शुरुआती विकेट जल्दी लेने होंगे। भारत के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के वीडियो देखकर तैयारी कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तान के बल्लेबाज भारी दबाव में हैं। पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक का मानना है कि भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। ऋषभ पंत मैनचेस्टर पहुंचे, शिखर धवन की चोट को देखते हुए पंत को भारत से बुलाया गया है। विश्व कप में इंग्लैंड की वेस्टइंडीज पर आसान जीत, 8 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज की टीम पहले 212 रन पर ऑल आउट हो गई, इंग्लैंड ने 33.1 ओवर में 2 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड के जो रूट बने मैच के हीरो, रूट ने विश्व कप में अपना दूसरा शतक लगाया, 100 रन बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी रूट ने शतक जड़ा था। जो रूट ने बैटिंग ही नहीं बॉलिंग और फील्डिंग में भी कमाल दिखाया, रूट ने 27 रन देकर 2 विकेट भी लिए, साथ ही 2 कैच भी पकड़े।
इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने तीन तीन विकेट लिए। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 44.4 ओवर में ही 212 पर आउट हो गई। वेस्टइंडीज के लिए निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा रन बनाए। पूरन ने 63 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज के लिए क्रिस गेल ने 36 रन बनाए, जबकि आंद्रे रसेल ने 16 गेंद में 21 रन ही बना पाए। भारत न्यूजीलैंड मैच बारिश से रद्द होने पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आईसीसी पर बरसे। कहा ईडन गार्डन्स में हम पूरे मैदान को कवर से ढक सकते हैं, तो इंग्लैंड में क्यों नहीं। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच, लंदन के द ओवल मैदान पर 3:00 से मुकाबला। विश्व कप में आज होने वाले दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टक्कर होगी। अफ्रीका और अफगानिस्तान अपने तीनों मैच हार चुके हैं। हुर्मुज़ के पास ओमान की खाड़ी में दो तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए अमेरिका ने ईरान को ठहराया जिम्मेदार। ईरान ने भी किया अमेरिका पर पलटवार, कहा हमने तेल के टैंकरों में सवार लोगों की जान बचाई। अमेरिका के लिए इस तरह के आरोप हम पर लगाना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सरल है। पूर्वी चीन में हुई लैंडस्लाइड में एक साथ कई कार मलबे में हुई तब्दील। हादसे में एक शख्स के भी फंसे होने की खबर।